देखिए हमने इसको निकाल दिया है और निकाल के हमने धो लिया है। नहीं, ये देखिए हमने अपना जो है स्प्राउट जो हमारा था उसको हमने निकाल लिया है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े माशाल्लाह से लंबे लंबे इसके ये स्प्राउट्स जो हैं वो निकले हुए हैं। ये हमने दो दिन इसको भिगोया था, सुबह मैंने इसको निकाल के अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है। अब इसको हम दो तो एक इससे हम सलाद बनाएंगे। तो वेजिटेबल के स्टर फ्राई करने के लिए हमारे पास जो है ये एक तकरीबन शिमला मिर्च है, थोड़ी सी गोभी है, टमाटर है हमने कटे हुए हैं, गाजर है हमारे पास, ये जो है लहसुन है, अदरक है, और ये हमारे पास नींबू है। इसके साथ जो सॉस जाएगी इसके अंदर वो है सोया सॉस डालेंगे हम इसके अंदर, ये वूस्टरशायर सॉस डालेंगे, और थोड़ा सा हम कलर उसके लिए हम डालेंगे अपने फ्लेवर के लिए चिली गार्लिक सॉस। चलें स्टार्ट करते हैं। हम इसको ये स्प्राउट जो है इसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जो है वो करेंगे स्टीम करेंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिया इसको, और इसके साथ हम डालेंगे, हमने ये डाल दिया है स्प्राउट। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन ये आधा कप जो है हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ये हल्का सा स्टीम हो जाए, और इसे हम स्टीम करेंगे 5 मिनट तक। हम इसको 4 से 5 मिनट हो गए, ये देखिए ये हमारा स्टीम हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, ये हो गया हमारा, ये देखिए कितना, इससे ये होगा कि इसका जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाएगा, और इससे जो है साइड इफेक्ट भी इसके नहीं होंगे, क्योंकि इसको कच्चा खाने से काफ़ी साइड इफेक्ट हो जाते हैं हमारा। हम इसमें डालेंगे गाजर, इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे तो ये हल्का, क्योंकि हमने इसको बॉईल वगैरह नहीं किया है तो ये हल्का सा इसको काटा हमने बारीक बारीक है, इतना टाइम वो लेगा तो नहीं। इसके अंदर जाएगी वो भी, अंदर हम डालेंगे अपने टमाटर और शिमला मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा करेंगे। हमारी गोभी जो है वो अपनी गार्डन की हमने ली है, फ्रेश ऑर्गेनिक एंड फ्रेश। टाइम बहुत कम है, बस इसको ज़रा सा इसको सोते इसके अंदर कर दिया, हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने स्प्राउट, जो स्टीम स्प्राउट है वो डाल दिए हमने। कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं इसके अंदर। इसमें हम डालेंगे तकरीबन थोड़ी काली मिर्च डालेंगे, चूल्हा हल्का करेंगे बिल्कुल, जो 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस के। ये है वूस्टरशायर सॉस, इसके भी हम डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच डालेंगे, 4 भी डाल दें, फ्लेवर इसका थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा आ जाता है। इसके आपकी मर्ज़ी है, अगर आप केचप डालना चाहें तो केचप डाल दें, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहें तो ये चिली गार्लिक सॉस है ये डाल दें, और ऑफ कोर्स नमक तो डालना ही है, थोड़ा सा नमक डाल दें, सिरका भी डलेगा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून डाल देते हैं इसके अंदर। गर्मियों में सिरके का लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि ये जो है सेहत के लिए बेहद ज़रूरी और अच्छा होता है। ये हो गया, अब हम इसको थोड़ा तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको दम पे करें रखेंगे तो ये तैयार है।
ये हो गया है, ये देखिए ये हो गया है तैयार। जो हम बना रहे हैं सलाद, ये देखें हमने खीरा है तकरीबन हाफ कप, सारी चीज़ें जो है हाफ हाफ कप है, प्याज है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल सकते हैं। ये हमारी अपनी गोभी है और ये मिर्चें हैं, शिमला मिर्चें, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे एक बॉल में जो है। ये सारी चीज़ें खीरा है, ये है मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने ले ली। अब इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। क्या शानदार कलर आ रहे हैं सब्जियों का, ऐसे कलर देख के जो है गर्मियों में बंदा कहता है कि ठंडी ठंडी कोई चीज़ हो, हेल्दी हो। और ये इतनी हेल्दी है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कितनी हेल्दी है। प्रोटीन, फुल प्रोटीन डाइट है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी तो बहुत ही अच्छी है, स्टीम है। और ये देखें अब इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे वो है, ये देखें तिल कितना ज़रूरी होता है उसके लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। और बाकी ये है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल है, ये तकरीबन डालेंगे हम 102 चम्मच डालेंगे। ये काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे हाथ से, ये हम डालेंगे नींबू। लेकिन नींबू ये है कि ये इसकी हेल्थ बेनिफिट्स में जो है वो और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा इसके साथ। साथ में जो है हमारे अपने सलाद के ऊपर से जो है हमारे गार्डन का सलाद है, अब डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसमें ये चीज़ें हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको इसके अंदर कम या ज़्यादा या उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल आसान हो, हेल्दी हो और मज़ेदार भी हो। तो इसमें जो है वो सारी चीज़ें इस डिश में सलाद और कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये सलाद ही खा लें तो भी बहुत फुल डाइट है ये। ये है जनाब आज की डिश हमारी स्प्राउट, ये स्टर फ्राई किया है हमने वेजिटेबल के साथ और ये हमने स्प्राउट का जो है सैलड बनाया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। आप यकीनन इसको बनाएंगे और इसको पसंद करेंगे और इंजॉय करें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।